of अम्मी, मुझे कह दिया होता मैं बना देती चाय, आपने क्यों तकलीफ की? क्यों, मेरे हाथ टूटे हुए हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। हाशिम ने तुम्हें मेरे सर पे लाके बिठा दिया है, तुम्हें बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। बराए मेहरबानी मुझसे मुखातिब ना हुआ करो। भाई साहब बता कर गए कब तक आएंगे? कुछ कहा नहीं। छोटे साहब जी, बीबी जी, इबाद साहब आए। इबाद? इबाद? वो क्यों आया? भेजो उसको। अच्छा जी। वैसे इबाद का आना बनता तो नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप ही उससे एंटरटेन करें। हरीम, तुम बड़ों के बीच में बैठ के क्या करोगी? आओ पर आ जाओ। चाची आप जाएं, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? भाभी साहिबा तो अब ऐसी हैं, महानूर का जिक्र इनके सामने करो तो बस दुखी हो जाती हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता हुआ जाऊँ, बट मेरा ख्याल है मैं गलत टाइम पर आ गया। नहीं नहीं, अच्छा क्या तुम आ गए, बस तुम्हें देख के महानूर याद आ जाती है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक जरूरी फोन कर। आप महानूर की बहन हैं? जी। आप यहीं रहती हैं इसी हवेली में? जी, मैं तो यहीं रहती हूँ। महानूर आप ही कराची में रहती थी कबीर चाचू के साथ। ओहो। हाँ कबीर भाई साहब, वो इबाद आया। इबाद? वो क्यों आया? बज़ाहिर तो मिलने आया, मगर कह रहा था किसी काम से आया यहाँ पर। मुझे तो ये फैक्ट्री वाला मामला लगता है। अरे फिक्र मत करो, मैं अपने मामला संभालता हूँ, तुम उसे संभालो। और दबने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा वो। जी भाई साहब। अच्छा, अगर आप लोग माइंड ना करें, क्या मैं महानूर का कमरा देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे वो जला हुआ कमरा देखकर? प्रोग्राम बनाओ, रेटिंग चाहिए। मेरी शादी वाले दिन मेरी होने वाली दुल्हन कुछ घंटों के बाद झुलस के मर गई। मेरे भी जज्बात मजरूह हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट माई प्रोफेशन। बट एनीवे, अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं चलता हूं। नहीं नहीं, आए हो तो चाय पी के जाओ। नहीं शुक्रिया, मैं कौन सा पहली दफा आया हूं यहाँ पे। एक दफा पहले भी आया था महानूर से मिलने, उसको कंगन देने। वैसे चची नहीं नजर आ रही आज। नजर तो भाई साहब भी नहीं आ रहे। उनको नहीं पूछा तुमने? क्योंकि यहाँ अंदर आने से पहले आपके गार्ड ने मुझे बता दिया था कि अंकल घर पे नहीं है, और मिलने भी वैसे मैं उन्हीं से आया था। चलते।